पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद में दबंगों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस की लापरवाही ग्रामीण पर भारी पड़ी और दबंगों ने मेड़ के विवाद में ग्रामीण की हत्या कर दी। मामला गुन्नौर कोतवाली के ग्राम मिठनपुर का है, जहां एक ग्रामीण का खेत की मेड़ को लेकर पड़ोसी खेत वाले से काफी दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन कोतवाली पुलिस लापरवाह बनी रही। एक बार फिर दोनों पक्ष मेड़ को लेकर आमने सामने आ गए और दबंग पड़ोसी ने अपने साथी संग मिलकर ग्रामीण की पीठ पीछे बार कर दिया, जिसे इलाज को ले जाते समय रास्ते में ही ग्रामीण ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेज दिया और 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मृतक के परिजनों ने दबंगों पर घर में लूटपाट का भी आरोप लगाया है। पुलिस अपनी असफलता छिपाने के लिए आरोपी की गिरफ्तार शीघ्र करने के प्रयास में जुटी है। गुन्नौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मृतक का पड़ोसी खेत वाले से मेड़ को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट में एक घायल ग्रामीण की इलाज को जाते रास्ते में ही मौत हो गई। शव पीएम को भेज दिया गया है। आरोपियों शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज करीब 12:45 में ये थाना गुन्नौर को सूचना मिली कि मिठनपुर में झगड़ा हुआ है और उस झगड़े के बाद तत्काल बाद यहाँ के प्रभारी SHO बिजपाल सिंह मौके पर पहुँचे हैं। वहाँ पे पहले ये पता लगा कि आपस में झगड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ के निवासी जैनुद्दीन खां को गांव के ही राजू, संजय और 3-4 और लोग थे, जिसमें प्रसादी थे, हेमराज, योगेंद्र सिंह, राजकुमार तोमर ने उनको घेर के मारा है, जिससे उसकी संभल हॉस्पिटल में जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। गांव पे जब पुलिस फोर्स पहुंचा, हम लोग भी मौके पर गए, तो वहां पे उसके घर वालों ने बताया कि साहब दोपहर में करीब 10-11 बजे ये घटना हुई थी, जिसमें दो आदमियों का नाम वो ले रहे थे कि उन्होंने उनको दौड़ा के पीटा, जिसमें राजू और संजय किसको लिए थे और इन्होंने दौड़ा के उसको मारा है और उसकी मृत्यु संभल में हो गई है। उसकी तहरीर मिल गई है और FIR दर्ज हो चुका है। लूट का मामला तो सामने नहीं आया है, क्योंकि खेत में काम कर रहे थे सब, वो खेत में सुबह गए थे और खेत में कोई पैसा लेके तो जाएगा नहीं कि लूट का मामला है, उन्होंने लिखा है तो उसकी भी जाँच की जा रही है। अभी कोई गिरफ्तारी है? अभी गिरफ्तारी नहीं, उसे घर पर दबिश दी गई है। हम लोग साथ में थे, शाम को दबिश गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी घर पर उपस्थित मिला नहीं है। फिर पुनः दबिश जाएगी, उनको गिरफ्तार तो हर हाल में करना ही करना।